फैमिली कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी तरह बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त शिजा, जो कि स्वागत करती है आपका मेरे अपने शो में, जिस शो का नाम है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट एनी टाइम एनीवेयर। तो आज थोड़ी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके लिए और दूसरे चिल्ड्रेंस के लिए, मेरे लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने वाले हैं या कराने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, तो मेरी सबसे पहली वीडियो में जो भी आप लोग ने देखा वो प्लेसेस थी, कैफेज थे, रेस्टोरेंट्स थे, सिनेमा हॉल्स थे वगैरह वगैरह सब कुछ था। पर आज की जो वीडियो है वो है टॉप 10 स्कूल्स इन लखनऊ की। हाँ, तो पेरेंट्स इस टाइम पे जून चल रहा है, जुलाई अगस्त या जुलाई में या मार्च अप्रैल में भी कुछ एडमिशन हो चुके हैं और कुछ के पेरेंट्स एडमिशन कराने के अभी भी सोच रहे हैं। तो अगर आप अभी भी अपना एडमिशन कराने की सोच रहे हो और पेरेंट्स आप सोच रहे हैं अभी अपने बच्चों का, अपने चिल्ड्रेंस का, अपने किड्स का एडमिशन कराने की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बना के रखी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे इतने से दिमाग में इतना सब कुछ तो नहीं आता, तो मैंने इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके मर्च करके लिखा हुआ है, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर मैं नीचे देख के बोलूँ तो प्लीज़ इसको ये मत समझना, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं टॉप 10 स्कूल्स इन लखनऊ, लखनऊ के वो टॉप 10 स्कूल्स जो जहाँ आप अपने बच्चों का एडमिशन विदाउट एनी झिझक, विदाउट एनी टेंशन एडमिशन करा सकते हैं। तो पहला स्कूल जो है लखनऊ का वो है लामाटिया गर्ल्स कॉलेज। जी हाँ, ये नाम आपको लिखने नीचे लिख के आ रहा होगा, इसकी फोटो आ रही होगी, देख लीजिए। और ये बोर्ड है ICSE बोर्ड और ISC और ICSE दोनों बोर्ड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और ये टाइप ओनली फॉर गर्ल्स है, बॉयज का भी है पर बॉयज का अलग जगह पे है, पर ये वाला गर्ल्स का है। और ये फाउंडेड हुआ था 1869 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे हैगी, यस यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है। तो अगर आपकी बेटी किसी अदर सिटी से या अदर स्टेट से आ रही है लामाटिनियर में एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, दैट यू हैव नो एनी इश्यू फॉर हॉस्टल, आपको इजीली मिल जाएगा। एंड इसका एड्रेस सबसे पहली बात तो मैं बता भी दे रही हूँ, नीचे लिख के आ रहा होगा, तो इसका एड्रेस है राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, ठीक है। तो जो लखनऊ से उन्हें तो पता होगा, पर जो लोग अदर सिटी से या अदर स्टेट से भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। एंड तो आप ये हो गया पहले स्कूल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लामाटिनियर की पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे स्कूल की तरफ, जिस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि गोमती नगर वाले CMS की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ISC और ICSE दोनों बोर्ड्स मिल जाएंगे। और ये फाउंडेड हुआ था 1991 में। और इसकी हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो बाहर से किसी और स्टेट से, किसी और सिटी से अगर आप आ रहे हो तो आपको अलग से रूम वगैरह जो भी है ना अरेंजमेंट्स करना पड़ेंगे, आपको खुद से यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। और जो लोग लखनऊ से ही वीडियो देख रहे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी झिझक ले सकते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जानते हैं, बिकॉज CMS इज द बेस्ट स्कूल फॉर एजुकेशन एंड ऑल। सो या इसका एड्रेस है यहाँ पे, इसका एड्रेस है विशाल खंड 2 गोमती नगर, ऑल राइट। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन हो गई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की, सेकंड स्कूल की। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्कूल में, तो ये है सेठ MR जयपुरिया स्कूल, सेठ MR जयपुरिया स्कूल, नीचे लिख के आ रहा होगा, आप अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली ISC और ICSE दोनों बोर्ड्स मिल जाएंगे। और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। एंड फाउंडेड ये हुआ था 1992 में। एंड इसका एड्रेस है नीचे लिख के आ रहा होगा विनीत खंड गोमती नगर, ये भी गोमती नगर में ही है, पर जो ऊपर वाला CMS था वो विशाल खंड 2 में है। और सेठ MR जयपुरिया स्कूल जो है वो है विनीत खंड गोमती नगर में, ठीक है। तो विशाल खंड और विनीत खंड दोनों अलग अलग जगह है, प्लीज इन्हें मर्ज मत कर देना, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं फोर्थ स्कूल में।
जिसका नाम है लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज। यार ये तो मैंने भी बहुत सुन रखा है और इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने रियल में भी देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्कूल एंड कॉलेज एक्चुअली। एंड यहाँ पे बोर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ ICSE मिलेगा। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ये फाउंडेड हुआ था 1872 में और इसका एड्रेस है 99 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ। ठीक है ओके, नीचे एड्रेस लिख के आ रहा होगा, यही लिख के आ रहा है ना, 99 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ, ऐसे लिख के आ रहा है ना। ओके फाइन, फोटोज देखते जाना ताकि थोड़ा आइडिया होता रहे आप लोगों को कि हाँ ये मतलब ऐसा दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एंड कुछ एक दो ही फोटो जितनी भी मुझे मिल पाएंगी ना, मैं इतनी वो सारी लगा दूंगी, ठीक है, सॉरी। ओके, तो फिफ्थ स्कूल है आपका कैथेड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कैथेड्रल मतलब नाम ही इतना अच्छा लगता है, मुझे ऑलवेज बहुत अच्छा लग रहा है नाम सुनने में कैथेड्रल। सो नॉट एट ऑल, कैथेड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे बोर्ड आपको मिल जाएगा CBSE बोर्ड, ISC है, ICSE है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ CBSE बोर्ड है। एंड हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। एंड फाउंडेड ये हुआ था 1950 में फाउंडेड हुआ था और इसका एड्रेस है हजरतगंज। जी हाँ, हजरतगंज में है, घूमने में काफ़ी अच्छा स्कूल है, नाम ही कितना अच्छा है यार इसका। ओके सो या अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ स्कूल पे, जिसका नाम है क्राइस्टचर्च कॉलेज। मतलब ऐसा बोलते हैं इतना स्पीड में नहीं, मतलब मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, क्राइस्टचर्च कॉलेज, ठीक है, नीचे लिख के आ रहा होगा, फिर आप अपना अपने हिसाब से इसे प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। तो क्राइस्टचर्च कॉलेज में आपको बोर्ड है मिल जाएगा, ICSE, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, फाउंडेड 1878 में हुआ था, एड्रेस है महात्मा गांधी मार्ग, राजभवन कॉलोनी, मौलवीनी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, मौलवीनी के साइड में आपको दिख जाएगा आप जब जाओगे, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं सेवेंथ स्कूल में। भाई ये तो मतलब सबसे अच्छा स्कूल है एंड इसका नाम है GD गोइंका पब्लिक स्कूल। इसका नाम आपको नीचे लिख के आ रहा होगा, इसको पढ़ के देखो तभी आप समझ पाओगे कि मैं कौन से स्कूल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसका बोर्ड आपको मिल जाएगा CBSE बोर्ड, बोर्ड है CBSE बोर्ड, हॉस्टल्स हाँ बिल्कुल है पर ओनली फॉर बॉयज, जी हाँ। एंड ये फाउंडेड हुआ था 2011 में, इसका एड्रेस है सेक्टर बी, सुशांत कौर सिटी, शहीद पथ, लखनऊ, समझ गए। ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एट्थ स्कूल, अब हम लोग चलते हैं एट्थ प्लेस पे। तो एट्थ प्लेस का स्कूल, एट्थ प्लेस का क्या, एट्थ स्कूल पे जिस स्कूल का नाम है LPS लखनऊ पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कूल है, अदर सिटी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि इतना फेमस है, आता जाता रहता है। एंड ये आपको पड़ेगा साउथ सिटी लखनऊ में। एंड इसका बोर्ड है CBSE बोर्ड, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, फाउंडेड ये 2009 में हुआ था और इसका एड्रेस है ए ब्लॉक साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ। जी हाँ, मैं बार बार लखनऊ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो लखनऊ वाले लोग हैं उन्हें तो पता है, पर जो लोग अलग सिटी से या अलग स्टेट से वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ चुके होंगे। एंड अब हम लोग चलते हैं नाइन्थ स्कूल पे, जिसका नाम है सेंट पॉल्स कॉलेज लखनऊ, बोर्ड ICSE मिल जाएगा, फाउंडेड 1957 में हुआ था, एड्रेस है सुभाष मार्ग, कैंट, लखनऊ, समझ गए आप मेरी बात अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसकी फोटो देख लूँ अच्छे से, लिख के आ रहा होगा सब, बहुत ध्यान से पढ़ लेना और उसके बाद बहुत ध्यान देना फिर इन 10 स्कूल्स में से कौन से स्कूल में तुम्हें एडमिशन लेना है, या आप जो फैमिली में पेरेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा इस लिस्ट के बाद कि आप किस में अपने बच्चों को, अपने किड्स को, अपने चिल्ड्रंस को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं। एंड 10 स्कूल है
आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि है एल्डेको लखनऊ में, एंड इसका बोर्ड है सीबीएसई। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, फाउंडेड हुआ था 2000 में और इसका एड्रेस ध्यान से सुनना, सेक्टर 2 एल्डेको कॉलोनी रायबरेली रोड लखनऊ। बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलूँ तो इसका ऐसे बोला जाएगा, एड्रेस है इसका एल्डेको कॉलोनी रायबरेली रोड लखनऊ, ठीक है, लिख के आ रहा होगा, अच्छे से समझ लेना। और ये 10 स्कूल जो मैंने आपको बताए हैं ये प्रॉपर टॉप 10 स्कूल हैं, और आप इसमें से किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो या लेने जा रहे हो या किस में ले चुके हो इन 10 में से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये आप सब में से किसी के लिए भी ये वीडियो थोड़ी सी भी टू सी भी इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ फिर मैं आपके साथ एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो दे अपनी दोस्तों से शुरू कर जाता हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हो मैं आपकी सिटीज़ के टॉप 10 बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे अपनी सिटी कमेंट्स जरूर कर देना। बाय। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड सेल्फ केयर, इट्स नॉट अ सेल्फिशनेस, सो सेल्फ डिपेंड बनाओ। ओके, बाय।